कैबिनेट में 1932 खतियान पास होने से पोटका के विधायक संजीव सरदार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली और खुशी का इजहार किया। उन्होंने बाद में प्रेस से भी बात की और प्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे नेता हैं कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि खतियान 1932 का लागू किया जाएगा, वो आज पूरा हुआ। और इसी को लेकर न केवल JMM के कार्यकर्ता बल्कि सारे झारखंडवासी, पूरी जनता खुश है और इस पर गर्व कर रही है। आइए दिखाते हैं आपको इस मोटरसाइकिल रैली के कुछ विजुअल्स और सुनाते हैं क्या कहा विधायक ने। ये हमारा यात्रा जो आज कोटका विधानसभा अंतर्गत इस कोटका प्रखंड में आज देखने के लिए जो मिल रहा है, और वास्तविक आज जिस तरह से गांव के लोग और जो जंगल झाड़ के में रहते हैं उस क्षेत्र के लोग और यहाँ के आदिवासी मूलवासी और साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्तागण सभी लोग ने यहाँ के निर्णय लेके आज अपने स्तर से लोग आज व्यवहार यात्रा निकल के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। लोगों का संस्कृति ये जब भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इस राज में इस राज के लिए अलग राज के लिए झारखंड अलग राज के लिए वो एक भारत देश आज़ाद होने के बाद से मांग उठा इस क्षेत्र में, और अलग राज का उद्देश्य था कि कैसे यहाँ के लोग अपना हक अधिकार के साथ साथ अपने सरकार बने, और उस उम्मीद के साथ आज झारखंड अलग किया यहाँ की झारखंडियों के लोग। और उस आंदोलन में कोई लोग ऐसे हैं कि कोई एक माताएं का सिंदूर उजाड़ा, कोई एक बहन का परिवार बिखर गया। आज इस 19 साल के दौरान जो भाजपा सरकार द्वारा आज यहाँ राजत्व चलाया इस राज में, जिसका कारण उन लोगों को कभी नहीं लगा कि उनके अपना सरकार, कई लोगों के जो अहमता है देखिए, जिनका मनसा साफ नहीं है वैसे लोग आज इस तरह का मोटिवेट पैदा कर रहे हैं, और आपके सामने आज पूरा पट्टा का लोगों का हुजूम है कि किस असार उम्मीद से अपना घर द्वार काम छोड़ के आज पूरा पोटका प्रखंड में लगभग देखा जाए तो 80 से 100 किलोमीटर का बाइक से पैदल से आज रैली निकलते हैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार संदेश देने का काम कर रहे हैं।